नमस्कार दोस्तों, एक्शन 7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। हाजिर हैं एक नई खबर के साथ। कानपुर में सीसामो विधानसभा क्षेत्र के विधायक हाजी इरफान सोलंकी पर लगाए गए आगजनी के आरोप को पूर्व विधायक सतीश निगम द्वारा तथाकथित आगजनी को बताया। श्री सतीश निगम द्वारा ये कहा गया कि चार बार का विधायक इतना छोटा काम नहीं कर सकता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हाजी इरफान सोलंकी के साथ विधानसभा में बैठते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री को स्वयं संज्ञान में लेकर इसकी सही तरीके से जाँच करानी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। चार बार का विधायक इस तरीके की हरकत नहीं कर सकता। ये बात कानपुर में कई लोगों ने कहा और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की एक दमनकारी कार्रवाई है, जिससे जिस प्रकार आजम खान, मुख्तार अंसारी, अतीक चकिया जैसे लोगों को आरोप और मुकदमों में फंसाकर जेल में ठूस दिया गया, उसी प्रकार हाजी इरफान सोलंकी पर भी सैकड़ों लोग मुकदमे लाद कर जेल में ठूसने की कार्रवाई की जा रही है। इरफान सोलंकी की विधानसभा क्षेत्र की सीट कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही, इसलिए इस पूरे मामले की तूल देते हुए विधायक को जेल भिजवाने की चेष्टा हो रही है। विधायक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अग्रिम जमानत की एप्लीकेशन दी गई है, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा कानपुर कमिश्नरेट से 25 दिसंबर तक रिपोर्ट मांगी गई है। आपको बता दें, अंतरिम जमानत में यदि न्यायालय द्वारा कोई नोटिस मांग ली जाती है तो उस मुकदमे में पुलिस अब कोई कार्रवाई नहीं कर सकती जब तक न्यायालय अग्रिम जमानत दे नहीं देती या खारिज नहीं कर देती। अब देखना ये होगा कि हाजी इरफान सोलंकी अपनी अग्रिम जमानत लेने के लिए किस प्रकार बहस करवाएंगे और जमानत पाएंगे कि नहीं। जमानत से पहले, जैसे कि लोगों का कहना है, इनके ऊपर और मुकदमे भी लादे जा सकते हैं। कानपुर से ब्यूरो कार्यालय से यूसुफ जमाल के साथ कैमरामैन कलीम अंसारी की खास रिपोर्ट। मुकदमा लिखाया, ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आगजनी की घटना बताई गई। इस तथा कथित आगजनी की घटना में ये बताया गया कि हाजी इरफान सोलंकी उसमें इन्वॉल्व थे। मेरा मानना है कि कोई भी चार बार का MLA कभी इस तरह की घटना नहीं कर सकता। लेकिन हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि अगर FIR लिख गई है तो इसकी जांच ईमानदारी से होनी चाहिए, और चार बार के MLA का मामला है तो खुद माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अपने संज्ञान में इस घटना को लेना चाहिए, क्योंकि आखिरकार तो इरफान सोलंकी विधानसभा के सदस्य हैं और मुख्यमंत्री के साथ में हैं विधायक, तो मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए कि इस घटना के पीछे वास्तविकता में है सच्चाई क्या। मुझे जो जानकारी हासिल हुई उससे